मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी इतनी महंगाई कर रखी है आपने, चारों तरफ इतनी महंगाई कर रखी है। मैंने अगर हर इंसान की चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान ला दी तो बताओ मैंने क्या पाप कर दिया। इतनी महंगाई हो रही है चारों तरफ। मैंने एक आदमी से पूछा, बोला जी आजकल घर का खर्चा नहीं चलता, तनख्वाह बढ़ी नहीं, खर्चे रोज बढ़ रहे हैं, दूध महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, चावल महंगे हो गए, हर चीज महंगी हो गई। मैंने उससे पूछा कैसे हो गई महंगाई, कहता जी अपने आप ही हो गई, भगवान ने कर दी। अरे भगवान महंगाई क्यों करेगा, भगवान की दुश्मनी है आपसे? कैसे हो गई महंगाई इतनी, पूरे देश में इतनी महंगाई कैसे हो गई? इतनी महंगाई हो गई क्योंकि उन्होंने लूट मचा रखी है, सरकारी खजाने की लूट मचा रखी है इन्होंने। मोदी जी अपने दोस्तों में खुलेआम पैसे लुटा रहे हैं। उनके एक दोस्त ने बैंक से 34,000 करोड़ रुपए का लोन लिया, बंबई का एक आदमी है, मोदी जी का दोस्त है, 34,000 करोड़ का लोन लिया। मोदी जी ने सारा लोन माफ कर दिया, सारा लोन माफ कर दिया। एक और आदमी गुजरात का, उसने 22,000 करोड़ रुपए का लोन लिया बैंक से, 22,000 करोड़, मोदी जी ने सारा लोन माफ कर दिया। अरे ऐसे खजाना लुटा रहे हैं, ऐसे खजाना लुटा रहे हैं, खुली लूट चल रही है। और पैसा कहां से आ रहा है? आपके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। साथियों, एक प्रमुख विषय है भंडारण का भी, अमित भाई ने उसका काफी वर्णन किया है। अनाज के भंडारण की सुविधा की कमी से लंबे समय तक हमारी खाद्य सुरक्षा का और हमारे किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। आज भारत में हम जितना अनाज पैदा करते हैं उसका 50% से भी कम हम स्टोर कर सकते हैं। अब केंद्र सरकार दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना लेकर आई है। बीते अनेक दशकों में देश में लंबे अरसे तक जो कुछ भी काम, उसका परिणाम क्या हुआ, करीब करीब 1400 लाख टन से अधिक की भंडारण क्षमता हमारे पास है। आने वाले 5 वर्ष में इसका 50% यानी लगभग 700 लाख टन की नई भंडारण क्षमता बनाने का हमारा संकल्प है। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम है जो देश के किसानों का सामर्थ्य बढ़ाएगा, गांवों में नए रोजगार बनाएगा, गांवों में खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहली बार 1,00,000 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड भी हमारी सरकार ने बनाया है। मुझे बताया गया है कि इसके तहत बीते 3 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा सहकारी समितियों का है, पैक्स का है। फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में, कोल्ड स्टोरेज जैसी व्यवस्थाओं के निर्माण में सहकारी सेक्टर को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।